नमस्कार दोस्तों, आप सबसे हमारे YouTube चैनल टाइम कर रहा हूँ। दोस्तों आई वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेके आए, क्योंकि दोस्तों आई स्पीड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका YouTube पर चैनल है और ऐसे में आप चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, या अपना चैनल क्रिएट पहले से ऑलरेडी कर लिया है और ऐसे में आपने वीडियो नहीं डाली है, या डाल भी रहे हैं और ऐसे में आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, और यानी कि आपने जो चैनल पहले क्रिएट कर लिया और ऑलरेडी आपने वीडियो वहाँ पर नहीं डाला, तो दोस्तों आपका चैनल बिल्कुल डेथ हो जाता है, तो यानी कि बिल्कुल डाउन चला जाता है, जिससे आपको चैनल को किस तरीके से ऊपर लेके आना है। अगर आप नए क्रिएटर हैं तब भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आपका चैनल यहाँ पर बिल्कुल डाउन चला गया है तब भी इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से बिल्कुल डेथ चैनल को यहाँ पर ग्रो करके लेके आ सकते हैं। और दोस्तों मान लीजिए अगर आपने नया चैनल यहाँ पर क्रिएट कर लिया, तो ऐसे में आप अपने चैनल को एक से लेकर किस तरीके से वहाँ पर ग्रो लेके आ सकते हैं, तो सारा कुछ इसी वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका डेथ चैनल है या यानी कि आपका नया भी चैनल है, तो दोस्तों इसमें तीन चीज़ आप फॉलो करेंगे तो 101% गारंटी साथ मैं कहता हूं कि आपका चैनल ग्रो होगा। अब दोस्तों आप ये कमेंट बॉक्स में ये मत लिख देना कि आप खुद का भी तेरा भी यहाँ पर ग्रो नहीं हो पा रहा है, दूसरों को टिप्स बता रहा है, तो दोस्तों ऐसा कोई भी रूल नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो मैं कर रहा हूं तो मैं अपने दिमाग से कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी मेरी कई सारी वीडियो भी वायरल हो चुकी है, अगर उन पर मैं वीडियो बनाता हूं तो ऑलरेडी उस पर अच्छे खासे व्यूज भी आ जाते हैं, मगर मेरा इंटरेस्ट है यूट्यूब से टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड। अब दोस्तों मैंने जो पहली वाली वीडियो डाली थी वो कुछ ही दूसरे तरीके से वीडियो डाली थी, जिस पर अच्छा खासा उस पर व्यूज भी आया हुआ है। अब दोस्तों मेरा यानी कि यूट्यूब टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड है, जो भी अपडेट आएगा तो उसके बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ, तो जिसके कारण मेरे यहाँ पर व्यूज भी बहुत कम आते हैं। ऑलरेडी मेरे यहाँ पर 5K सब्सक्राइबर इस पर चैनल पर कंप्लीट भी हो चुके हैं और मेरा चैनल भी यहाँ पूरी तरीके से मोनेटाइज है, तो देख लीजिए आप मेरे चैनल पर यहाँ पर ऐड भी आ रहा होगा। तो दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में ये चीज़ मान लिख देना, अगर आपको कमेंट करना है तो कोई अच्छा सा कमेंट कीजिए, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तब भी यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अपने मुद्दे की, तो दोस्तों यहाँ पर तीन टिप्स आपको फॉलो करनी है, जो कि मैं आपको एक एक चीज़ करके बताने वाला हूँ कि इन टिप्सों को आप फॉलो करेंगे तो दोस्तों आपको 101% आपकी चैनल ग्रोथ होगा और आपकी वीडियो भी यहां पर जाएगी, तो आपकी वीडियो पर अच्छा खासा व्यूज आएगा। तो दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं सबसे पहले टिप्स की। तो दोस्तों आपको सबसे पहले एक अच्छा खासा एक वीडियो क्रिएट करना है, तो दोस्तों ये ऑलरेडी सब कुछ कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाना भी जानते हैं, और आप जो भी आप बोलने का कोई एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, आप अटक अटक के बोलते हैं, तो दोस्तों ऐसे में आप अपनी कोई भी यहाँ पर पेज पर लिख पेन कॉपी से लिख करके आप सामने यहाँ पर रख सामने यानी किसी दूसरे जगह पर रख सकते हैं, और उसमें भी थोड़ी बहुत नया करने के बाद में उसमें भी देख सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत हो वहीं से भी आप उस पॉइंट को देख सकते हैं, तो आप अटक अटकने की बात को यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अच्छी सी एक वीडियो बढ़िया सी यहाँ पर वीडियो क्रिएट करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर सेकेंड टिप्स की बात कर लेते हैं, आपको अपनी वीडियो का SEO करना है। तो दोस्तों अगर आपको SEO की वीडियो आपने नहीं देखी है, तो दोस्तों SEO की वीडियो अगर देखना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँगी इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाना है, तो वहाँ पर SEO वीडियो लिख करके डाल देना है, तो दोस्तों मैं एक SEO की वीडियो में अच्छे खासी ले आऊँगा कि किस तरीके से अपनी वीडियो का SEO करते हैं। तो दोस्तों आपने जो नई वीडियो हो या पुरानी वीडियो, तो उसका भी SEO करना भी ज़रूरी होता है। तो पहले क्या होता था, जो कि 2020 से पहले ऑलरेडी कोई भी यहाँ पर वीडियो डाल देते थे, ना तो कोई टाइटल ना ही यहाँ पर टैग, तो दोस्तों आपकी वीडियो पर व्यूज आ जाता था। तो दोस्तों 2021 में ऐसा कोई रूल नहीं है जिससे आपकी वीडियो का SEO अच्छे से नहीं हुआ तो आपकी वीडियो वहाँ पर वायरल नहीं हो पाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरे काम की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपकी वीडियो का थंबनेल। तो दोस्तों ये सबसे SEO से भी बढ़कर है आपका वीडियो का थंबनेल। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर तीनों चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। आप सो पहला आपने अच्छी खासी एक वीडियो शूट करनी है, वीडियो शूट करने के बाद में आपको दोस्तों उसमें सेकंड वाला आपकी अपनी वीडियो का SEO करना है, तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो उस पर जल्दी से मैं SEO की वीडियो ले आऊँगा। और एक आपको एक थंबनेल क्रिएट करना है, तो ये दोस्तों ये तीनों चीज़ आपको क्रिएट करनी है। तो दोस्तों ये आप कहोगे कि ये तो यार तीनों चीज़ सब लोग करते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप पेशेंस रखिए, आप इस वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ उन टिप्सों को जरूर से ज़रूर फॉलो कीजिए। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए
मेरा एक चैनल है, तो चैनल को मैंने जो क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया। तो दोस्तों अब मैंने अब वीडियो अपलोड करने के बाद में यूट्यूब, यहाँ पर आपके सब्सक्राइबर हों या ना हो, आपकी वीडियो को ज़रूर अब किसी दूसरों के पास इम्प्रेशन भेजता है। अगर आपकी वीडियो को इम्प्रेशन भेजता है, जैसे आपने मान लीजिए आपने वीडियो अपलोड कर दी और यूट्यूब ने यहाँ पर 10 लोगों को आपका इम्प्रेशन भेजा। अब दोस्तों इम्प्रेशन भेजा, अब क्या करना है, आपकी वीडियो का थंबनेल अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों क्लिक लेवल आपको थंबनेल होना होगा, जब भी लोग क्लिक करेंगे, जैसे 10 लोगों के पास में आपकी वीडियो गई और ऐसे में आप स्क्रॉल करते आओ नहीं कि यूट्यूब देख रहे हैं, तो ऐसा थंबनेल क्रिएट करना है जो क्लिक करने पर भी मजबूर हो जाए, उस बिना क्लिक करे बिना ही नहीं आपका व्यूअर जा सके, तो ऐसा एक थंबनेल क्रिएट करना है। अब दोस्तों आपको इम्प्रेशन यूट्यूब ने भेजा, वहाँ पर आपने यूट्यूब वहाँ पर थंबनेल आपने अच्छा क्रिएट किया, तो दोस्तों आपके इम्प्रेशन के लोगों को दिखेगा, तो दोस्तों वहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे जैसे ही आपकी वीडियो को वहाँ पर आपके लोग देखेंगे, तो दोस्तों लोग देखने के बाद में आपकी आपकी वीडियो को अच्छी खासी यहाँ पर व्यूज भी आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको करनी होगी, आपको जो भी वीडियो क्रिएट करें तो दोस्तों अपने दोस्तों से आप बोलें कि मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आपको एंड तक ज़रूर देखना है। अगर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब ने यहाँ पर 10 लोगों के पास इम्प्रेशन भेजा, 10 लोगों के इम्प्रेशन भेजने के बाद आपको थंबनेल को देख करके यहाँ पर 5 लोगों ने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद में उसमें वीडियो में कुछ देखने के लिए है अच्छा सा, तो दोस्तों आपको वो वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आपकी वीडियो को वहाँ पर 5 लोगों ने पूरा कंप्लीट देख लिया, तो ऐसे में वो 50 लोगों को आपको इम्प्रेशन भेजेगा। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए आपने 10 लोगों का यूट्यूब ने भेजा इम्प्रेशन, वहाँ पर आपकी वीडियो पर थोड़ा सा देखकर अरे यार कुछ नहीं यार वीडियो कुछ नहीं बताया, तो ऐसे करने से आपकी वीडियो भी बहुत डाउन चली जाती है। तो दोस्तों आपको अपनी वीडियो में बिल्कुल पेशेंस रखना है, अपने दोस्तों से बोलते रहना है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए, तो ये चीज़ आपको खुद में खुद करनी होगी। और ऐसा ट्रिक बताइए कि जो कि मेन मुद्दे की बात होती है तो वो बिल्कुल एंड में बताइए, यानी कि आपने वीडियो क्रिएट कर ली 5 मिनट की, तो 5 मिनट यानी कि 3 मिनट आप ऐसे निकाल दो कि आपकी ऑडियंस जमी रहे 3 मिनट पर, 3 मिनट के बाद में उस ट्रिक्स को बता दो, तो दोस्तों आपके जो 3 मिनट देखा तो वो तो व्यूवर्स चले आए वहाँ से, और आपके 4 मिनट पर आपने टिप्स बता दी और ऑलरेडी वहाँ से भी कट कर देते हैं, टिप्स समझ में आ जाती तो वहाँ से कट कर देते हैं, तो ऐसे में आपको पेशेंस रखना है अपनी वीडियो का। तो दोस्तों जैसे पहले से ही आपको पेशेंस करने की यार क्या वीडियो बनाई है, तो ऐसे में फिर यूट्यूब आपकी वीडियो का इम्प्रेशन ही भेजता है। ऐसे दोस्तों अपनी वीडियो का क्लिक लेव थंबनेल बनाना है, वीडियो का अच्छे से एसईओ करना है, और वीडियो में पेशेंस रखना है कि एंड तक आपको ज़रूर देखना है व्यूअर्सों को। तो दोस्तों ये चीज़ सबसे पहले करनी है, जब जाके आपका चैनल नया हो या पुराना हो, यानी कि आपका बिल्कुल डेथ चैनल हो, तब भी नीचे से लेकर के ऊपर आपका चैनल आ जाएगा और अच्छी खासी ग्रोथ भी मिलेगी, आपको लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन यूट्यूब भेजेगा, लोग क्लिक करेंगे, आपका चैनल अच्छे खासे ग्रो होगा, सब्सक्राइब भी देना होंगे, सारा कुछ यहाँ से पूरा के पूरा आपका चैनल ग्रोथ मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, तो फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों बगल में आएगा बेल नोटिफिकेशन उस पर भी क्लिक करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है एक कमेंट करने की, तो एक प्यारा सा भी नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि कोई भी आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट है तो प्यारा सा भी जरूर से जरूर कमेंट करें। दोस्तों अब मिलेगा नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।